जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा 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 नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब राहुल गांधी ने लोकसभा में भाषण के दौरान हिंदू को हिंसा से जोड़ा था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किसी नेता के भाषण के बीच अपनी सीट से उठे और राहुल के बयान पर आपत्ति जताई। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना। राहुल का यही बयान अब कांग्रेस पार्टी के लिए फांस बन गया है। भले ही लोकसभा की कार्यवाही से राहुल के बयान का हिंदू वाला हिस्सा एक्सपंज कर दिया गया हो, लेकिन इस पर सदन के भीतर और बाहर सियासत जमकर हो रही है। बीजेपी कांग्रेस से लगातार माफी की मांग कर रही है। राहुल गांधी ने कल बहुत सारे झूठ और फेक इन्फॉर्मेशन दिए हैं और उसी समय संबंधित मंत्रियों ने उस झूठ का पर्दाफाश किया है। उनको ये भी कहा गया है कि जो आपने बोला है उसकी ऑथेंटिसिटी दीजिए। जो सत्य है वो बिल्कुल कायम रहेगा, लेकिन जो झूठ है उसको स्पंज करना सदन के कार्यवाही में नियम में शामिल है। हिंदू हिंसक होते हैं, ये बात कोई हिंदू, भारत का कोई भी, भारत में रहने वाला कोई भी हिंदू इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सनातन में विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति हो, कल जिस तरीके से महादेव की तस्वीरों को सदन में लहराने का उन्होंने काम किया, मैं कवर अप करने के लिए नहीं, मैं तो बीजेपी के हिंदू, बीजेपी के हिंदू अलग और कांग्रेस के हिंदू अलग, ये किस तरीके की बंटवारे की राजनीति पुनः कांग्रेस साधने का प्रयास करिए। अब विपक्ष के नेता है तो कुछ तो उनको बोलना है, कोई मटेरियल उनके पास नहीं है तो अनर्गल बात जो उनको लोग बता देता है वही बोलते हैं, तो इस रूप में उनकी बात का कोई मतलब नहीं। इधर राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस और सहयोगी दल पूरी तरह बचाव की मुद्रा में है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं राहुल के निशाने पर हिंदू नहीं थे बल्कि बीजेपी थी। ये झूठ है, राहुल जी ने ये कहा कि सिर्फ आप ही हिंदू नहीं है, इस देश में सारे लोग हिंदू है और आपका हिंदुत्व का और हिंदू बोलने का जो व्याख्यान आप कर रहे हैं वो गलत है और हिंदू एक विशाल रिलीजन है और आज वो रिलीजन के तहत उसमें टॉलरेंस है, सबको लेके चलने का है, लेकिन आपकी जो हिंदू की भाषा आपने कर रहे हैं वो गलत है। हिंदू समाज के लिए नहीं कहा, भाजपाइयों के लिए कहा। भाजपा में जो हिंदू हैं वो हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसके मुखिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो आप तो एक भारतीय गालीबाज पार्टी हैं, हिंसा फैलाने वाली पार्टी हैं आप, तो क्या गलत कहा राहुल गांधी ने? आई थिंक राहुल गांधी जी ने वो बहुत स्पष्ट भी कर दिया कि ना ही बीजेपी हिंदू धर्म की ठेकेदार है, ना नरेंद्र मोदी हिंदू समाज है, वो बहुत स्पष्ट है। तो ये जो स्टेटमेंट तोड़ मोड़ कर किया जा रहा है, आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट। उद्धव साहब भी बहुत बार कह चुके हैं कि इनके हिंदुत्व में और हमारे हिंदुत्व में जमीन आसमान का अंतर है, हम भाईचारा फैलाते हैं और ये नफरत फैलाते हैं। राहुल ने अपने बयान का हिस्सा एक्सपंज करने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर विरोध जताया। राहुल ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, मेरे विचारों को कार्यवाही से हटाना संसदीय लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। मेरे भाषण के हटाए गए हिस्सों को दोबारा बहाल किया जाए। अनुराग ठाकुर के भाषण में भी आरोपों की भरमार थी, लेकिन उनके भाषण से केवल एक शब्द हटाया गया। इसको लेकर किया गया भेदभाव समझ से परे है। सरकार सच्चाई को सहन नहीं करती और अगर हम सच बताते हैं तो उसको निकालने का और लोगों को सिर्फ झूठे वायदे और झूठे चीजें बताने की उनकी कोशिश होती है, तो मैं ऐसे चीजों को कंडम करता हूँ और जो सच्चाई है वो रख दीजिए, जो गलत है रूल्स के खिलाफ है आप निकाल लो, लेकिन जब भी सरकार अपोज करती है तो फौरन उसको निकालना अच्छा नहीं। ऐसा नहीं है राहुल के बयान का विरोध सिर्फ बीजेपी कर रही हो, पार्टी के भीतर में भी विरोध के स्वर तेज हो गए। कांग्रेस के दिग्गज नेता राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह के ट्वीट से तो फिलहाल यही लग रहा है। लक्ष्मण सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, संसद में हिंदुओं पर की गई टिप्पणी अशोभनीय है और अनावश्यक भी, केवल और केवल जनता और देश से जुड़े मुद्दे उठाना ही उचित होगा। बीजेपी राहुल के बयान को हिंदुओं के अपमान से जोड़ रही है, लिहाजा कल शाम से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया था, जिसका असर अब देश के कई कोनों में दिख रहा है।
हिंदुवादी संगठन खुलकर राहुल के बयान का विरोध कर रहे हैं। मुंबई, इंदौर, प्रयागराज, हैदराबाद की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि राहुल के बयान से हिंदुवादी संगठनों में किस कदर नाराजगी है। राहुल को और उनके पूरे परिवार को देश छोड़ देना चाहिए और उनको तो इटली चले जाना चाहिए। यहाँ पे उनकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक से एक विद्वान लोग हैं, वो देश को संभाल लेंगे। जिस तरह का जो बयान वो देते हैं उस तरह से ये साबित होता है कि पहले तो हिंदू विरोधी हैं, और दूसरी बात राहुल गांधी को पहले ये पूछिए कि वो कौन से धर्म से आते हैं। हम यही मांग नहीं कर रहे कि राहुल गांधी माफी मांगो, वरना अगर वो मुंबई में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी तीव्र आंदोलन करेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बार बार हिंदुओं को क्यों अपमानित करने का काम करती है, ये कौन सी मानसिकता है, या देश की जनता कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है। संसद में राहुल गांधी के दिए गए बयान पर हरिद्वार से लेकर अयोध्या और काशी के संतों ने भी नाराजगी जताई। संत अब एक सुर में राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं। लोकतंत्र के मंदिर में जिस प्रकार से विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को हिंसक कहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मैं माननीय सभी सदस्यगणों से मांग करता हूं, जब तक सदन में राहुल गांधी जी माफी ना मांगे तब तक उनको बोलने ना दिया जाए। समस्त विश्व में रहने वाले सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं को आहत हुई है, तो बड़प्पन व्यक्ति का उसी में है। अगर कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि मेरे वाक्यों से किसी को ठेस पहुंची तो उनको लोकसभा में खेद व्यक्त करना चाहिए, मैं इसकी निंदा करता हूं। राहुल गांधी जी को ये बात समझना चाहिए, कितने बड़े विपक्ष के नेता होकर हिंदुओं की भावनाओं को किस तरह आप आहत करते हैं, हिंदुओं को हिंसक बताते हैं। राहुल गांधी जी को धर्म की परिभाषाएं अभी बहुत सीखनी पड़ेंगी, बहुत समझनी पड़ेंगी, फिर वो सनातन पर बात करें। कुल मिलाकर राहुल के लोकसभा में कल आक्रामक बयानों से बैकफुट पर आई बीजेपी के लिए हिंदू वाला बयान किसी संजीवनी से कम नहीं। लोकसभा में कल कई ऐसे मौके आए जब राहुल की वार से एनडीए खेमा असहज दिखा, लेकिन हिंदू वाला दाव अब कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। जाहिर है आने वाले दिनों में भी इस मुद्दे पर राजनीति होती रहेगी। बीजेपी की कोशिश है कि राहुल के बयान को हिंदू अस्मिता की धुरी से जोड़कर रखा जाए, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका सियासी लाभ उठाया जा सके। नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य, आप हिंदू हो ही नहीं।